दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूर्वानुमान से एक दिन पहले गुरुवार केरल तट और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा, अगले 24 घंटों के दौरान केरल दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। मौसम कार्यालय ने 15 मई को केरल में 31 मई तक मानसून के दस्तक देने का अनुमान जताया था। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि रविवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से गुजरे चक्रवात रेमल ने मानसून के प्रवाह को बंगाल की खाड़ी की ओर खींच लिया है, जो पूर्वोत्तर में मानसून के जल्दी आने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 5 जून है। मौसम विभाग ने कहा, इस अवधि के दौरान दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव, कोमोरिन, लक्षद्वीप के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कल तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी तक दिल्ली में मानसून के प्रवेश से संबंधित कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ मौसम रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून से राष्ट्रीय राजधानी में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई में 10 जून से मानसून की बारिश होने की संभावना है। IMD ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 13 या 14 जून तक मानसून के पहुंचने की भविष्यवाणी की है। राज्य में जून के पहले सप्ताह में बारिश होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मानसून का आगमन 10 से 29 जून के बीच होने की संभावना है। RMC कोलकाता के प्रमुख HR बिस्वास ने बताया, अभी तक का पूर्वानुमान केरल और अंडमान दोनों में मानसून के सामान्य आगमन का है। मौसम विभाग ने कहा, एक ताजा विक्षोभ पश्चिमोत्तर क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 जून तक गरज के साथ बौछार, बिजली कड़कने और अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है।